अगर मैं कहूँ कि मैं आपका मसल साइज़ बढ़ा सकता हूँ आर्म्स का और आपको बिल्कुल एक नई बॉडी दे सकता हूँ 27 दिनों के अंदर अंदर, वुड यू बिलीव मी? येस, इट्स ट्रू. ऑल यू हैव टू डू, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन के जो नंबर है ना उस पर फ़ोन करना है और अपना स्लॉट बुक करना है. कैसे? बिकॉज आई यूज़ NLP. और आज के वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी NLP की टेक्निक देने वाला हूँ ना जिससे आपकी बॉडी ऐसे बदलेगी. और ऐसी कई टेक्निक्स मैं इंट्रोड्यूस करी हैं अपने प्रोग्राम में, 27 दिन के प्रोग्राम में, जो आप साइन अप करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बॉडी को 27 दिनों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो वैसी क्या टेक्निक है और क्या हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग में जिससे आपकी बॉडी ग्रो होगी? तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ ना उसको हम कहते हैं बिल्डिंग माइंड टू मसल कनेक्शन. अब आपने कई चीज़ें सुनी होंगी कि यार आपको अगर अपनी मसल ग्रो करनी है तो आपको सबसे पहले अपना माइंड जो है उस मसल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. फाइन, कई वीडियोस देखे हैं, मैंने भी आपको कई बारे में बताया हुआ, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि भाई माइंड टू मसल कनेक्शन करूं कैसे, कैसे इंटीग्रेट होता है भाई वो, क्या आपको पता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बिल्कुल फोकस्ड होके जिम में ट्रेनिंग करनी है और जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो आर्म्स की हो, चेस्ट की हो, कुछ भी हो, उसी पे हिट होनी चाहिए आपकी मसल, आप जो वेट उठा रहे हो. पॉसिबल है, कई कई दिनों में होता है, कई दिनों में नहीं होता. ऐसा क्यों? तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि हर वर्कआउट आपका इंटेंस हो, हर वर्कआउट आपका सुपर चार्ज्ड हो और हर वर्कआउट आपका रिजल्ट ड्रिवन हो, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिले हर वर्कआउट में. कैसे? सिर्फ माइंड टू मसल का कनेक्शन लगा के. बट वो माइंड टू मसल का कनेक्शन लगेगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको. सो अब ये टूल जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये टूल है NLP का न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम. बिकॉज मैं NLP प्रैक्टिशनर हूँ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम में. न्यूरो मीन्स योर थॉट्स, योर फीलिंग्स. लिंग्विस्टिक मीन्स एक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग मीन्स आपके जो एक्शन है, बिहेवियर. सो कैसे आप अपने थॉट्स, एक्शन और फीलिंग्स को प्रोग्राम करके लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो? माइंड टू मसल कनेक्शन तो छोटा सा, बिकॉज एज पर NLP आपका माइंड सब कुछ है. अगर आपको बॉडी भी चाहिए तो सबसे पहले आपकी पिक्चर जो है कहाँ बनती है, दिमाग में बनाते हो ना कि मुझे ऐसा दिखना है. उसको दिखने के बाद ही तो आप बॉडी पे काम करना शुरू करते हो. आपने कहावत सुनी होगी, राइट? आर्नोल्ड भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है, द माइंड कंसीव्स द बॉडी अचीव्स. माइंड में पहले बनती है पिक्चर, फिर बॉडी उस पिक्चर को फॉलो करती है एक्शन ले लेके. वही माइंड टू मसल कनेक्शन. अब मैं बताता हूँ कैसे करते हो. आप जब भी जिम में जाते हो, डेज होते हैं कि जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हो, कभी गर्लफ्रेंड से बात हो रही होती है, कभी दोस्तों से बात हो रही होती है, आप कॉलेज से थके हारे हुए आते हो, ऑफिस में यू हैव अ हैड हार्ड डे, बैड डे, जो भी है, फिर आप जाके जिम में आ जाते हो. जिम में भी कभी भीड़ होती है, कभी खाली होता है, कुछ होता है, तो कभी कभी आपका मूड नहीं बनता बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सो आप क्या करो उस टाइम पे? अब बिकॉज इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है, आपके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो माइंड टू मसल कनेक्शन कैसे लगाओगे? सो कई लोगों को लगता है अच्छा मैं म्यूज़िक लगाऊंगा और मेरा माइंड टू मसल कनेक्शन आ जाएगा, एक चार्ज्ड अप गाना सुनूंगा और मैं बिल्कुल माइंड को कनेक्ट कर पाऊंगा अपनी मसल के साथ. कैसा होता है? नहीं. आपको करना क्या है? सिर्फ एक चीज़. मैं आपको अभी एक मिनट के लिए आपको उस टाइम पर ले जाऊँगा जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते थे. अब आप इमेजिन करिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे, आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्या करते थे? अगर आप कोई भी जैसे मैथ्स का, इंग्लिश का, बोर्ड का, कॉलेज का कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप एक प्रे करते थे या कुछ चैंट करते थे. कैसे हो सकता था? ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी बोलते थे कि भगवान मुझे आज पास कर दियो, मेरा आई वांट कि मेरा एग्ज़ाम ही अच्छा हो. बोलते थे? नहीं बोलते थे. यस और नो? बिल्कुल बोलते थे आप एग्ज़ाम पे, है ना? इसको हम कहते हैं क्यूइंग मंत्राज NLP पे, कि जिसको हम माइंड को एक क्यू मिल जाए कि भाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए मैं अपने आप को साइक कर रहा हूँ. साइक करने का मतलब चार्ज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे जो अगले 2-3 घंटे जो एग्ज़ाम वाले होने वाले हैं वो मेरा फेट डिसाइड करेंगे.
और मैं अपने अंदर झांक के अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल के अपना एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। इसीलिए आप वो करते हो, राइट? इसको हम, कई लोग इसको मेडिटेशन भी कहते हैं, कई लोग इसको ड्राइंग पावर फ्रॉम विद इन भी कहते हैं। यही है ना कि आपका, अब साहब कई लोगों को सुपरस्टिशन लगता है कि नहीं यार, बस एक भगवान का नाम लेता है, लेने से पहले एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। बट टेक्निकली ये जो है क्यों ही मंत्र है कि आप जैसे ही भगवान का नाम लोगे, या कोई भी हो सकता है कि कुछ भी आप कर सकते हो, तो आप का बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम अच्छा होगा। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं एग्ज़ाम से पहले, आपने थ्री इडियट्स भी देखी होगी, राइट? वो एग्ज़ाम टाइम पे भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं, कुछ बहुत चीज़ें लोग करते हैं। इसको सब क्यूइंग कहते हैं। अब इसका फिटनेस में क्या कनेक्शन है? बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको माइंड टू मसल कनेक्शन फिटनेस में लगाना, आपको क्या करना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेग डे। अब लेग डे में जाने से पहले आप जब जिम में घुसेंगे, तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग कि आपका स्क्वाट कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोनी कॉलमैन याद हो, रोनी कॉलमैन एक ही बात बोलते थे अपने हर सेट से पहले। आपको पता है वो क्या बात थी? वो क्या तीन वर्ड्स थे जो वो बोलते थे? लाइट वेट बेबी, याद है आपको? व्हाट इज दैट? इट्स अ क्यूइंग मंत्र। आप अपने आप को साइक करो कि भाई वेट जितना मर्जी हैवी हो, मैं फाड़ दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उसको वेट को उठा के ही रहूंगा। सिंपल है ना? आप जब जिम में जाते हो, इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती है, आपका क्यूइंग मंत्र क्या है? भी या नहीं भी? नहीं है। अगर आप जिम को, ट्रेनिंग को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, उसकी तरह ट्रीट नहीं कर रहे कि मेरे को, मैं जिम में जाता हूँ एक पर्पस के साथ। पर्पस क्या है मेरा? एक अच्छी बॉडी। अगर आप उस पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, तो जाने का फ़ायदा क्या? तो बॉडी कैसे बनेगी यार? बन ही नहीं सकती ना। तो आपको, यू हैव टू टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने कोर्स में भी बोलता हूँ 27 दिन के कोर्स में, कि हर रेपिटेशन जो आप जिम में करते हो ना, वो आपको आपके गोल के उतना ही पास लेके आता है। आप जितने सेट करते हो, वो आपको अपने गोल के उतने ही करीब लेके आता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप जिम जाओ, अपना क्यूइंग मंत्रा पकड़ो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैंने अपने स्क्वाट्स इम्प्रूव करने थे, और मैं वो करता नहीं था, मेरी जो मूवमेंट थी वो पार्शियल थी। तो मैंने अपने आप को क्या बोलना शुरू करा वर्कआउट से पहले, सेट से पहले, स्क्वाट से पहले, ए टी जी, एस टू ग्रास। मैं अपनी एस ग्रास तक, पूरा नीचे तक टच करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्यू दे रहा हूँ अपने माइंड को, सिग्नल दे रहा हूँ कि भाई हमें पूरा डीप जाना है। तेरे को आदत नहीं है नीचे जाने की, तू हमेशा पार्शल्स करता है। यू हैव टू गो डाउन, बिकॉज माइंड बहुत स्मार्ट है यार। वो आपकी तभी सुनेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। क्या आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो क्या? नहीं देते। आपको पता ही नहीं है आपको अपने माइंड के साथ कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है अपनी बॉडी को अचीव करने के लिए। उसी को तो माइंड कंडीशन कहते हैं, उसी को तो NLP कहते हैं, कि आपको पता है कि आप कैसे अपने माइंड को कैसे कंडीशन करो कि आप जो भी करो वो हो जाए। क्यूइंग मंत्रा इज वन ऑफ देम। बड़े बड़े एथलीट्स, रोनी कॉलमैन से लेके, हर एक का कोई ना कोई क्यूइंग मंत्रा होता है। आप किसी भी ओलंपियन से पूछ लो, सबसे पूछ लो, दे ऑल फॉलो वन क्यूइंग मंत्रा। तो मैं चाहता हूँ आज के बाद जब आप ये वीडियो देखें, अपना भी क्यूइंग मंत्रा हर वर्कआउट से पहले डिसाइन कर लें, और अपने माइंड को बोलें कि भाई इंस्ट्रक्शन दें उसे कि मैं आज ये कर रहा हूँ और मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुमने ये करना है। बिकॉज जब माइंड में आपने पिक्चर बना ली ना कि मैं, जैसे अब ATG का क्या फ़ायदा क्या होता था मुझे, एस टू ग्रास का, तो मैं अपने दिमाग में माइंड टू मसल के थ्रू विजुअलाइज करता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ जब मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ करता हुआ स्क्वाट। तो मैंने अपने माइंड को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी ना, तो अब वो बाय डिफॉल्ट पूरा नीचे तक जाएगा, और एटलीस्ट कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं अपने माइंड से बात ही नहीं कर रहा, जो मैं पहले 15 साल यही करता था, कोई मैं माइंड से बात ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, जिम में गए, जो हो रहा है चल ठीक है यार, ये एक्सरसाइज कर ली, वो एक्सरसाइज कर ली, करके वापस आ गए, एंड देन कंप्लेनिंग यार बॉडी नहीं बनती। मत करो ऐसा, डोंट डू, यूज़ योर माइंड।
और उस वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि वो आपको कुछ भी बना सकता है विद इन 27 डेज गारंटीड। बस उसको यूज़ करना सीखो आप। क्यों ही मंत्र इज़ वन ऑफ देम, ये मैं आपको सिखा दिया आज। कुछ भी हो सकता है आपका, जो आपका वीक पॉइंट है वो अपने दिमाग को बता दो। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैक पुलअप्स नहीं होते आपसे, तो क्योंकि पुलअप की प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो बॉडी वेट नहीं उठा पाते। अब आप विजुलाइज करो कि आप पूरा पुलअप कर रहे हो पूरी फुल मूवमेंट के साथ, दिमाग में पिक्चर बन गई ना आपके, आप अपने आप को पुलअप करता देख रहे हो अपने दिमाग में। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप पुलअप करने जाओगे आपके दिमाग को ऑलरेडी पता है क्या करना है, गए। और एटलीस्ट अगर पुलअप होगा नहीं ना, तो आप कोशिश ज़रूर करेगा आपका माइंड। और जिस दिन आपने वो कोशिश करनी शुरू कर दी ना, एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, तीन बार ही, यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप किसी, अगर वही बात है, जब तक आप अपने माइंड को बताओगे नहीं कि करना क्या है, तो वो क्या करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपने में आपको पता है, जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, एक इन्फेंट होता है, उसकी माँ को पता कैसे लगता है कि उसको दूध पिलाना। सपना तो आता नहीं है माँ को कि इसको दूध पिलाना, बच्चा रोता है ना, तो दैट्स अ क्यूइंग सिग्नल राइट माँ के लिए कि यार बच्चा रो रहा है, इसका मतलब उसको भूख लगी है। लेकिन अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को पता कैसे लगेगा दूध पिलाना, बच्चा तो भूखा मर गया। तो हम बचपन से ही ये क्यूइंग मंत्रास कर रहे हैं सब किसी ना किसी तरीके से। आपको भी अपने माइंड के साथ उसको यही बताना है कि भाई मुझे पूरी मूवमेंट करनी है, प्लीज़ हेल्प मी आउट, आपको करना है, एंड दैट्स हाउ यू अचीव एनीथिंग। तो ये तो सिर्फ फिटनेस में, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब इंटरव्यू में कि जैसे आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो, जॉब देते करते हो, इंटरव्यू देते हुए लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपके पास सारे जवाब है, आप विजुलाइज कर सकते हो आपके पास ऑफर लेटर है, आप विजुलाइज कर सकते हो आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है, आपके पास ताकत है, आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जिम तो एक छोटा सा पार्ट है, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो इसी को हम NLP कहते हैं, इसी को हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आप अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करो कि वो कुछ भी अचीव कर ले। ऐसी कई चीज़ें मैं आपको कंडीशन करता हूँ जो फिटनेस में किसी को नॉलेज ही नहीं है कि कैसे अपने माइंड के साथ कंडीशनिंग करनी है। वही मैं 27 दिनों में आपको, तभी मैं कहता हूँ कि आप 27 दिनों में ट्रांसफॉर्म होंगे इसी बेसिस पे, बिकॉज मैं आप में इतनी सेल्फ बिलीफ भर दूंगा, आपको इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि आप 27 दिनों में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यू विल पैक ऑन इनसेन, आपकी इनसेन अमाउंट ऑफ मसल मास पैक करोगे आप, आपको नेगेटिविटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के कॉमेंट का असर नहीं पड़ेगा। आपका अगर बॉडी फैट हटाना गोल है, यू नो एलिमिनेट रही, आपको रिड्यूस बॉडी फैट। अगर आपका गोल है कि मसल मास पैक करना है, मसल मास पैक करोगे आप, वो कुछ करोगे जो आपको चाहिए बाय टेलिंग योर माइंड। और वो कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा आपको, किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, कौन से पे फोकस करना चाहिए, कौन से मसल पाथवे के साथ फोकस करके आपको कितने सेट करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ, और कितनी देर की ट्रेनिंग होनी चाहिए टू गेट दैट एक्टिवेशन गोइंग। वही तो प्रोग्राम है। और तभी मैं कह रहा हूँ फ़ोन करो एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज ये मौका जो है ना बार बार नहीं होगा। 80% ऑफ चल रहा है, अपना स्लॉट बुक करो और इंस्टेंट एक्सेस लो इनको, इस कोर्स के लिए, इस मॉड्यूल में आपको ऐसे ऐसे नॉलेज, ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी आप सुन के, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर करियर। तो वही तो NLP है, वही तो मैं करने की कोशिश करूँ। तो आज से अपनी लाइफ में क्यों मंत्र अप्लाई कर दो एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। नंबर आपकी स्क्रीन पे, फ़ोन करो और 27 दिनों में हो जाओ ट्रांसफॉर्म।